नमस्कार क्लास मैं मोनो चौधरी और जोग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कक्षा 11 की मनसौट की सीरीज में एक और एक ही क्लास के एक ही शोट के अंदर पूरी क्लास जो है हमारी आज उसी तरह से खत्म होने वाली है जैसे एक एक पूरी क्लास के अंदर एक एक चैप्टर को हम क्लास करते हुए जा रहे हैं। आज के इस के इस अंदर हम प्राकृतिक वनस्पति ग्यारह का ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है फाइव फाइव ये भी प्यारी 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 करेगा। वनों की बातें करेगा पढ़ना क्या है वन पढ़ना है ऐसे हम टेंशन लेते रहते हैं बिल्कुल छोटी सी चीज है वन वन जो होते हैं प्रकृति की देन होती है और वो कितने प्रकार के होते हैं बस यही चैप्टर और कुछ भी नहीं है वनों के क्या प्रकार होते हैं यानी कि वन कितने प्रकार के होते हैं कहाँ-कहाँ मिलते हैं किस रूप में मिलते हैं थोड़ा ये देख लेंगे क्या काम आते हैं तो यही बातें हैं और कुछ भी बातें नहीं है बातों का क्या बातें तो बातें हैं लेकिन वन जो है बातों बातों में याद हम करने वाले हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ आज के इस शानदार वन शॉट में एक एक चीज आपको मस्त तरीके से और शानदार तरीके से क्लियर होती जाएगी देखिए प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है वनों के माध्यम से वो सब प्राकृतिक वनस्पति दिखाई दे ही रही है आपको यानी कि जितने भी पृथ्वी पर आपको वन दिखाई देते हैं जो प्रकृति की दृष्टि से और प्रकृति से ही सींचे गए हैं जिनका जिनमें मानव का रोल बहुत कम होता हो खुद खड़े हो जाते हैं खुद फूल दे देते हैं खुद फल दे देते हैं मानव उनकी सेवा बिल्कुल भी नहीं करता है वो मानव की सेवा करते हैं वो प्राकृतिक वन के नार कहलाते हैं क्या कहलाते हैं प्राकृतिक वन देखो कितना हरा भरा हरा भरा क्षेत्र तो लगता ही अच्छा है सुंदर लगता है थोड़ा आगे बढ़े शुरू करें मतलब तो देखिए सबसे पहले बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी चीज आपके सामने है वनों के प्रकार कितने प्रकार दिखाई दे रहे हैं सर इतने प्रकार दिखाई दे रहे हैं वनों के प्रकार के जस्ट बाद आप देखेंगे कि एक एक वन को हम पढ़ना शुरू कर देंगे वनों के प्रकार के अंदर ये जो पांच प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं कितने प्रकार दिखाई दे रहे हैं वनों के अंदर पांच प्रकार दिखाई दे रहे हैं यानी वनों को पांच नामों से जानेंगे अब कैटेगरी हो जाती है एक छोटा बच्चा होता है एक थोड़ा बड़ा हो जाता है एक उससे बड़ा हो जाता है एक उससे बड़ा और एक बूढ़ी अवस्था की तरफ यानी वृद्धावस्था की तरफ चला जाता है जब वो बड़ा होके फिर युवा होके फिर बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है यानी कि किसी भी चीज को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं ताकि वो पढ़ना पढ़ने की दृष्टि से सुविधाजनक रहे दूसरा उसको आसानी से समझा जा सके और इतना भार नहीं पड़े इसलिए हम किसी भी वस्तु के डिवाइडेशन करते हैं चाहे तो वनों को एक लाइन से शुरू करें और लास्ट तक जाके खत्म कर दे लेकिन हम वनों को जो है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं डिवाइडेशन करके प्रत्येक वस्तु के डिवाइडेशन इसलिए किए जाते हैं कि आसानी से इस बेजे में माइंड में सेट हो जाए समझ गए यहां तक हाँ वनों के प्रकारों की बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं जो प्रकृति से अपने आप उग जाते हैं उन्हें हम पांच भागों में बांट रहे हैं कितने भागों में बांट रहे हैं सबसे पहले इस नाम को पकड़ो ऊषण क्या नाम लिखा हुआ है उषण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन ये दिखने को एक है लेकिन है ये दो देखो क्या है सदाबार यानी हमेशा हरे भरे अर्ध सदाबार यानी कि आधे टाइम पर रहते हैं और आधे पर खराब हो जाते हैं या जल जाते हैं या फिर आ, कि कोई काट लेता है या फिर खत्म हो जाते हैं या मौसम इनको सूट नहीं होता क्या लिखा है जब भी आपको कहीं भी मेरे प्यारे लाडले को उष्ण दिख जाए तो वो सीधा समझेगा इस बात को कि सर गर्मी की बात कर रहे हैं गरम उष्ण का मतलब क्या होता है गरम और जहाँ भी मेरे प्यारे लाडले को कहीं भी अगर कट कटिबंधीय दिख जाएगा उसको तो इसका अर्थ वो सीधा सा समझ जाएगा क्योंकि वो लंडन शहर का स्टूडेंट है वो सीधा सा समझ जाएगा कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र तो इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं गर्मी का क्षेत्र जहां मुझे उष्ण कटिबंधीय दिखे तो उसे मैं गर्मी का क्षेत्र कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं कह सकता हूं तो फिर तो टॉपिक ही समझ में आ गया ये रहा उष्ण कटिबंधीय ये रहा उष्ण कटिबंधीय ठीक है ना और ये रहा उष्ण कटिबंधीय बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहां तक क्लियर है उष्ण कटिबंधी मतलब गर्मी का क्षेत्र उष्ण कटिबंधी मतलब गर्मी का क्षेत्र यह भी उष्ण कटिबंधी मतलब गर्मी का क्षेत्र इसमें सदाबार शामिल ले लिया हमने कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं हटा हटा देता देता चिंता मत करो ठीक ना इन सबको हमें तो सिर्फ क्या समझना है यहाँ तक उष्ण कटिबंधी समझना है क्या समझना है उष्ण कटिबंधी बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं अब जो उष्ण कटिबंधीय है यह हमेशा हरे भरे और यह आधे टाइम हरे भरे यानी ऐसे वन जो बिल्कुल सूखे हैं और सदाबार है ऐसे वन बिल्कुल सूखे से मतलब नहीं है सूखे क्षेत्र से मतलब गर्मी के क्षेत्र से मतलब है सॉरी यानी सूखे हुए क्षेत्र में उषण कटिबंधीय सूखे हुए क्षेत्र में कई सूखे हुए क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां अगर हीट क्रिएट होगी और पेड़ पौधे भी होंगे तो अगर वन होंगे तो बारिश आएगी तो यहां सदाबार वन भी मिलते हैं और अर्ध सदाबार वन भी मिलते हैं एक एक समझेंगे मैं तो बेसिक ले रहा हूं भी उष्ण कटिबंधीय फिर गर्मी वाला क्षेत्र जहां पर्णपाती वन होते हैं एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां कांटे लगे हुए वन होते हैं एक फिर पर्णपाती वन होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय प्रणपाती है और एक वेला चली वे अनुप वन होते हैं हम एक एक को समझने वाले हैं एक एक को समझने वाले देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबार एवं अर्ध सदाबार वन देखिए ये वन पश्चिम घाट की पश्चिम ढाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं एक एक चीज नक्शे से पढ़ने वाले हैं हम एक एक चीज को मैप से समझने वाले हैं किससे समझने वाले हैं मैप से समझने वाले हैं, हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये वन पश्चिम घाट की पश्चिम ढाल पर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर ये जैसा कह रहा है हम वैसा ही करेंगे सबसे पहले यहां ले लिया मैंने मैप क्योंकि ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें इस दक्षिण भारत की किसकी जरूरत पड़ेगी हमारे इस दक्षिण भारत की ये वन पश्चिम घाट तो आप सब जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा वाला ये वाला यही तो पश्चिम घाट है ये क्या है पश्चिम घाट है तो यहां मिलेंगे इसका मतलब इन तटों पर और यहां जो द्वीप है छोटे छोटे आइलैंड है इनपे मिलेगा देखो यहां तक समझ आ रहा है पश्चिम घाट पर मिलते हैं पश्चिम ढाल पर मिलते हैं पश्चिम ढाल यही है इस प्रकार से पश्चिम ढाल कौन सी होगी ये इस प्रकार से ऐसे ढाल है यहाँ पे ये यह जो ऐसे ढाल बनी हुई है इस ढाल पे मिलेंगे दोनों बातें क्लियर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी ये कह रहा है कि भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है उसको मैं यहां बना देता हूं लिख नीचे रहा हूं लेकिन है ऊपर ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये तो उत्तर और ये पूर्व इसका मतलब यहां जो सेवन सिस्टर नाम से जो राज्य हैं भारत में उनकी बात यह कर रहा है सेवन सिस्टर वाले राज्य जो हैं उनकी बात यह कर रहा है इस बात को समझिए आप थोड़ा सा देखिए यह भारत का ऊपरी हिस्सा और इस प्रकार इस तरफ है सेवन सिस्टर यहां पे है तो ये तो हुआ उत्तर और ये हुआ पूर्वी क्षेत्र इसीलिए तो यहाँ जो पहाड़ियां हैं मेघालय की रादी पहाड़ियां इसको हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं किसकी पहाड़ियाँ कहते हैं वो पूर्वांचल की सारी पहाड़ियां इन उष्ण कटिबंधीय सदाबार और अर्ध सदाबार वनों में आ जाती है किस में आ जाती है सदाबार और अर्ध सदाबार वनों में आ जाती है सारे ही उष्ण यानी गर्मी वाले क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं यहां कौन सी पार्टियां जैसे यहां मेघालय की बात करें तो मेघालय में आप सब जानते हैं मेघालय के अंदर गारो, खासी जयंतिया ये पहाड़ियां थी या नहीं थी बताओ मुझे इसी कारण जो है मेघालय और मिजोरम का जो क्षेत्र हो, होता है वह सबसे ज्यादा बारिश एक जगह है मोहसिन राम एक हजार अस्सी सेंटीमीटर वर्षा होती है उसके पीछे लॉजिक क्या है उसके पीछे लॉजिक है गारो खांसी और जयंतिया की पहाड़ियां जो मानसून को आगे नहीं जाने देती है जब मानसून आगे जाएगा नहीं हवा के साथ जो पानी आ रहा है तो बेचारा क्या करेगा वही तो बरसेगा तो बारिश वही हो जाती है भाई आगे में पानी को आप आगे जाने ही नहीं दे रहे हो बादल आया और बादल को आगे जाने ही नहीं दे रहे हो तो बादल वहीं बरसेगा बादल कहां बनते हैं बादल बनते हैं शो मंडल में किसमें बनते हैं शो मंडल के अंदर ठीक है ना जल्दी इलेवंथ के लेक्चर शुरू होने वाले हैं और उसमें देखेंगे आप शो मंडल क्या होता है वायुमंडल क्या होता है बचे हुए लेक्चर है कुछ जो बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं रोज कमेंट आते रहते हैं सर कब होंगे कब होंगे तो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं ठीक है ना हाँ पश्चिम घाट वो पश्चिम घाट कोई दिक्कत नहीं है पक्षिम ढाल वो ढाल हो गई वहीं उसके पास ही पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां ये आ गई गारो खांसी और जयंतिया अंडमान निकोबार ये आपका अंडमान निकोबार जहां सुंदरवन का डेल्टा बनता है भारत के इस हिस्से में इस तरफ नहीं होगा भाई इस तरफ होगा ये द्वीप थे ना पांच के आसपास यहां पांच सौ द्वीप थे ना यहां जिसके अंदर रिचि था लिब्रित था और ग्रेट निकोबार जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार वो भी यही है तो इसका नाम आया कि नहीं आया निकोबार द्वीप इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय जो वन है कौन से वन उष्ण कटिबंधीय वन है वो मेरे प्यारे लाडले अगर हमें कहीं भारत में देखने को मिले तो सबसे पहले तो वो सेवन सिस्टर के नाम से जो सात राज्य हैं जिन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं और जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सींचे जाते हैं अरुणाचल प्रदेश असम जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उनकी बात कर रहा हूं जो साइड में ही दिखाई दे रही यूं इस प्रकार से अलग ही उनमें दिखाई देंगे उसके अलावा भारत के दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में हम जैसे ही पश्चिम घाट की तरफ दिखाई देंगे देखेंगे तो आपको सिरप और सिरप कौन से वन सदाबार और अर्ध सदाबार वन दिखाई देंगे और इसमें भी सदाबार इसमें भी हमेशा हरा भरा क्षेत्र रहता ये सदाबार अब बताओ लैंड ये तो टापू है और टापू हरे भरे ही दिखेंगे ठीक है ना इस चीज का अपन को क्या रखना है ध्यान रखना है तो पश्चिम घाट की तरफ है किसकी तरफ है पश्चिम घाट की तरफ आगे देखिए तो यहां पश्चिम घाट है और इसकी ढाल है, है ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार जिसे हम कहते हैं जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर कौन सी है पोर्ट ब्लेयर इधर होगा लक्षद्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है कवर्ती तो यह याद रखना है क्या करना है याद रखना है कुछ नहीं करना है सिर्फ मे उठाना है और जो सेवन सिस्टर राज्य दिखाई दे रहे हैं जो पूर्वांचल की पहाड़ियां दिखाई दे रही है जो मेघालय मणिपुर ज्यादा वर्षा वाला जगह दिखाई दे रहा है जो गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियों वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है पश्चिम घाट की तरफ आपको जाना है उसके बाद कहा जाना है पश्चिम घाट की तरफ जाना है पश्चिम घाट की पश्चिम ढाल पर जाना है और उत्तर की तरफ देखें तो नहीं है? उत्तर और पूर्व में है, उत्तर की तरफ नहीं है उत्तर और पूर्व में है समझ गए मेरी बात को पक्का यहां कौन से बन होंगे उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदा ये वन उष्ण और आर्धर प्रदेशों में पाए जाते हैं अब यहां तो मैंने बताया एक हजार अस्सी सेंटीमीटर वर्षा होती है मोहिन राम में किस जगह मोहसिन राम में तो इनको तो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में होंगे और ज्यादा वर्षा वाले अगर क्षेत्र में होंगे तो कितनी मात्रा से ज्यादा वाले में होंगे ये आंकड़ा याद रखना है अधिकतम कितनी हो सकती है लेकिन 200 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए किसके लिए सदाबार वनों की पहली शर्त कि दैज में अगर ले लूंगी तो क्या लूंगी 200 सेंटीमीटर वर्षा इनकी जो पत्तियां होती है वो जब हरी भरी रह पाती है जब 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है क्या होती है 200 सेंटीमीटर मतलब यहाँ खतरनाक खतरनाक तरीके से जहरीले जानवर भी रहते हैं नाग भी रहते हैं मतलब फन किए नाग रहते हैं खतरनाक वाले नाग रहते हैं यहाँ पे मतलब भारत में कई प्रकार के नाग यानी कि सांप पाए जाते हैं कैसे और कौन डसेगा मुझे ये सब जानता हूं मैं कैसे और कौन डसेगा मुझे ये सब जानता हूं मैं लेकिन किसी का खोप कहां मानता हूं मैं लेकिन किसी का खोप कहां मानता हूं मैं जंगल का हो या आस्तीन का सांपों की सारी नस्लें जानता हूं मैं यहाँ इतनी सारी सांपों की नस्लें हैं ये सब जानते हैं लेकिन डरते नहीं है यहाँ के आदिवासी और जंगलों के लोग भी यहाँ रहते हैं क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है ये क्या है पहाड़ी क्षेत्र है और इन पहाड़ियों में जो है आप देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो इतनी खतरनाक खतरनाक जानवर भी बड़े खतरनाक होते हैं कौन से वन सदाबार वन वर्षा कितनी 200 सौ सेंटीमीटर है कहा पश्चिम ढाल पश्चिम घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियां पाए जाते हैं ठीक है भाई औसत वार्षिक तापमान 22 सेल्सियस 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले सदाबार वन कह रहे हैं मामला टू टू का हो चुका है किसका हो चुका है टू टू का हो चुका है बाईस सेल्सियस से ये वन सघन और पत्तू वाले होते हैं जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेल होती है ये वन सघन होते हैं सघन और पत्तू वाले होते हैं जहां भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेल होती है मतलब झाड़ियां भी होती है जैसे वन ऊपर चला गया इसके आसपास पास झाड़ियाँ हो जाएगी इसका मतलब मरुस्थल नहीं है मरुस्थल में सिर्फ झाड़ियाँ होती है बड़े बड़े वनों के साथ जब झाड़ियाँ होती है तो सदाबार होते हैं इनके ऊपर छोटे 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 कद वाले पेड़ और सब ऊपर लंबे पेड़ होते हैं छोटे कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ बड़े होता है कि नहीं होता है जब स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना होती है देखते ना आप कुछ छोटे होते हैं उनको आगे खड़ा किया जाता है यूं करा के और कुछ बड़े होते हैं वो पीछे खड़ा हो जाते है नहीं तो पता चले कि बड़े वाले के पीछे अगर छोटा वाला खड़ा होगा तो आराम से मस्त सर को दिखेगा ही नहीं प्रार्थना में अक्सर ऐसा होता है सुभी -सुभी होती है है सुबह सुबह होती ठीक ना यहां तक समझे कि नहीं समझे ये वन है जिसमें कोबरा रहता है ठीक है ना हाँ सांपों की सारी नस्लें जानता हूं ठीक है ना आगे देखिए इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर होती है सिर्फ और सिर्फ मेरा लाडला याद रखेगा कि यहाँ जो वन होते हैं 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है किसकी सदाबार वनों की कितनी 200 सेंटीमीटर 22 सेल्सियस इसको तापमान चाहिए कितना चाहिए 22 सेल्सियस 60 मीटर ये ऊपर होते हैं लेकिन कुछ इनसे छोटे और कुछ इनसे बड़े होते हैं पहली बात तो मेरा प्यारा जो लाडला है मेरा प्यारा जो गुलगुला है वो ये याद करेगा और उसके बाद अगर वो याद करेगा तो वो पश्चिम घाट की बात करेगा किसकी बात करेगा पश्चिम घाट की बात करेगा पूर्वी पहाड़ियाँ कह सकता हूँ मैं इसको उत्तरी पूर्वी नहीं कहकर लेकिन फिर भी किताब में लिखा है तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ जो है उनकी बात करेंगे और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों की जब हम बात करेंगे तो एक बहुत प्यारी बात हम इसके साथ और करेंगे और वो जो क्षेत्र होगा पश्चिम और इसके घाट के बाद वो होगा ढालान यानी ढाल और ढाल भी किसकी डाल ढाल होगी पक्षी में गाट की यह है हमारे सदाबार वनों की इन पेड़ों के पत्ते जड़ने और फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है फूल कभी लग रहे हैं पत्ते कभी लग रहे हैं पेड़ कब काटा जा रहा है इनका सबका अलग अलग समय होता है सदाबार वन याद हो ही जाने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ आवाज नहीं आई भाई है ना याद हो जाना चाहिए आपको आगे देखिए वो सारे सदाबार थे लेकिन थोड़े से सदाबार से सदाबार सदाबार अलग दिखाई देते हैं अरे चिंता नहीं करना है सदाबार ही अर्ध सदाबार, सदाबार है लेकिन थोड़े से गुण अलग होते हैं जैसे नहीं होता दो जूड़वा भाई होते हैं लेकिन उनमें सब चीजें सेम होती है लेकिन थोड़ा सा कोई अंतर होता जिससे हम उनको पहचानते हैं वो थोड़ा सा अंतर दो जुड़वा भाई है सदाबार और अर्ध सदाबार जिनको दोनों को एक ही पिता की संतान कहेंगे दोनों एक ही जगह होते हैं इस प्रकार से माने आप और एक जैसे दिखाई देते हैं नाम भी दोनों का साथ आया था जुड़वा ही है ये अर्ध सदाबार वन क्या है अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले देखो एक तो दो सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी लेकिन एक पता चला कि एक जगह दो सेंटीमीटर नहीं हो रही है वहां थोड़ी सी कम हो रही है एक या एक ही हो रही है तो वहां थोड़ी सी कम है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सदावार नहीं है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं है मतलब आधा सदाबार है सदाबार मतलब हमेशा हरा भरा सदाबार का मतलब क्या होता है हमेशा हरा भरा सदाबार का मतलब क्या है हमेशा हरा भरा जब देखो जब हरा भरा ठीक है ना तो कोई आधा यानी थोड़े समय के लिए हरा भरा रहेगा मतलब थोड़ी सी वर्षा कम है देखिए कैसे ये वन सदाबार और अर्ध आर्द्र प्रणपाती होते हैं यानी कि वनों का मिश्रित वन है ये थोड़ा मिश्रित टाइप दिखाई देता है क्योंकि अगला जो मन आएगा उसका गुण भी इसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे देता है ठीक है इनमें मुख्य वृक्ष है साइडर साइडर ये साइड में रह जाते हैं क्योंकि यहां वर्षा कम पहुंच पाती है इसलिए याद करने का तरीका है साइडर थोड़े साइड में दिखाई देते हैं तो साइडर होलक और केल साइडर होलक केल साइडर होलक केल कैसे बोलोगे बोला करो ऐसे याद नहीं होगा साइडर होलक केल साइडर होलक केल अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता समझते थे अंग्रेज जानते थे कि वन बहुत खतरनाक चीज होती है इनका माल जो है इनका कच्चा माल जो है लकड़ी वकड़ियां बड़ी इमारती होती है रोहेड़ा होता है राजस्थान में जो राजस्थान का सागवान कहलाता है राजस्थान की शान कहलाता है तो ऐसे से पौधे पेड़ होते हैं यहां पे समझते थे और इसीलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर दौन शुरू कर दिया भाई साहब क्या गजब किया अंग्रेजों ने रज़म ने गजब किया छोड़ दिया संसार ये तो एक संत की बात है लेकिन अंग्रेजों ने भी गजब किया क्या गजब किया अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने यह गजब किया कि जितने भी जो है जितने भी जो है जहां उन्हें लगा कि यहां बहुत ज्यादा वन है उन वनों को काटना तोड़ना और उसे विदेशों में भी ले जाने तक शुरुआत कर दी थी और हमारे जो वन थे उनको बहुत काटने का काम जो किया दोहन मतलब सत्यानाश कह सकता हूं मैं इसको सब कुछ खत्म करना वो अंग्रेजों ने किया आज अगर मुझे मिल जाते पकड़ पकड़ के मारता मैं इससे वनों की संरचना बदली बदलती चली गई अगर वनों को काटोगे तो संरचना यानी बनावट जो है उस क्षेत्र की बदल जाएगी इस वनों को काट दो आप समतल हो जाएगा ये गढ़वाल और कुमाऊ में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए गए ओक के जो वन थे उसमें चीड़ के वन लगा दिए गढ़ाऊ और कुमाले का गढ़ाऊ और कुमायु का मतलब है हिमालय गढ़वाल कह सकते हैं इसको गढ़वाल और कुमायु जो शब्द दिखाई दे रहा है इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हिमालय के क्षेत्र में ओक के जो जो वन लगे हुए थे उनको काटकर उनके स्थान पर चीड़ के व लगाने का कार्य शुरू कर दिया रेल की जो पटरी बिछाने के लिए आवश्यक हुआ करते थे वो चीड़ के हुआ करते थे और अंग्रेज सबसे ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे भारत के परिवहन को किसको मजबूत करना चाहते थे भारत के परिवहन को और इस परिवहन के माध्यम से वो चाहते थे कि कच्चा माल यानी कच्ची जो वस्तुएँ लकड़ी है कोयला है वो विदेशों में ले जाया जा सके विदेशों में ले जाया जा सके विदेशों में ले जाया जा सके इसलिए उन्होंने हमेशा हमेशा और हमेशा सबसे ज्यादा अगर किसी वस्तु को महत्व दिया तो वो किसको दिया अधिकतर दोहन करना और परिवहन को सही रूप से विकसित करना घाटियों पे सड़कें बना देना और सड़कें खत्म होते ही पानी वाले क्षेत्र के आसपास अच्छे बंदरगाह बना देना ये अंग्रेजों की देन थी चाय कॉफी तो वास्तव में अंग्रेजों ने भारत के अंदर लत लगाने का काम जो है चाय और कॉफ़ी दोनों ढालानों पे होती है पहाड़ जो होता है उसकी ढलान पे होती है और कॉफ़ी भी अरेबिका रोबेस्ता और लिबेरिका नाम से होती है चाय भी कई प्रकार की होती है ये दोनों की दोनों की अगर बात करें इसके साथ रबड़ आ जाता है बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया वो चाहते थे कि चाय और कॉफ़ी और रबड़ तीनों नगदी फसलें हैं यानी पैसा कमाया जा सकता है। देखो बात यह वनों के साथ अंग्रेजों की आ रही है अंग्रेज यह चाहते थे कि भारत में डाले लोग हैं, हैं। वाले जिसको हम कह सकते हैं। अंग्रेज ये चाहते थे कि इस क्षेत्र पर कब्जा किया जाए कब्जा उन्होंने किया इस क्षेत्र को दास्ता युक्त यानी गुलामी के माहौल और जंजीरों की बेड़ियों से इसे पूरी तरह से जकड़ने के बाद यहाँ को वन यहाँ के वनों को काटा गया यहाँ के वनों का दोहन जब शुरू हुआ तो उन्होंने जो है जो वन दिखाई दे रहे थे ओक के उनको काट कर चीड़ के लगा दिए क्योंकि उन्हें रेल की पटरियाँ बनानी थी क्या बनानी थी क्योंकि वो चाय और आधे वनों को काट कर समतल जगह बना रहे थे डालान जो है पर्वतों की उनको काट काट के जो सदाबार वन थे उनको हटा रहे थे और उसकी जगह चाय कॉफी और रबड़ जो पर्वतीय फसल होती है ये सब किया जा रहा था वहां पर और धीरे धीरे जो है भारत के वन जो है वो खत्म होने लग गए लकड़ी उष्मा रोधक होती है साफ किया गया लकड़ी उष्मा रोधक होती है इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर किया यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में भी, भी किसका प्रयोग कर दिया इसी का प्रयोग कर दिया लकड़ी का यहां तक समझे कि नहीं समझे आगे देखिए अब जो हम पढ़ रहे हैं सदाबार और अर्ध सदाबार हमने पढ़ लिया सदाबार बहुत महत्वपूर्ण है अर्ध सदाबार तो यूं बीच में थोड़ा सा नाम आ जाता है थोड़ी कम वर्षा हो रही है वह अर्ध सदाबार है बाकी वो सेम ही है कोई दिक्कत नहीं उसमें वो क्लियर है अब दूसरा पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वन कौन सा पढ़ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वन उष्ण यानी गर्मी पर्णपाती वन देखिए क्या है भारत में ये वन बहुत आयात में पाए जाते हैं इन्हें उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा सत्तर से दो सेंटीमीटर होती है अगर मैं कहूँ कि वार्षिक वर्षा दो से अधिक तो आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबारी और सदाबारी वन और मैं कहूं कि वार्षिक वर्षा 200 से कम है लेकिन 70 से अधिक है तो सीधा हमारे माइंड में हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम पर्णपाती वनों की बात कर रहे हैं कौन से वनों की बात कर रहे हैं पर्णपाती भारत में ये वन बहुत आयात में यानी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भारत में ये वन बहुत आयात में पाए जाते हैं इन्हें मानसून वन भी कहते हैं जब मानसून आता है तब ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं हालांकि 71 पे भी हो जाएगा 71 पे भी हो जाएगा 72 पे भी हो जाएगा कौन सा पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जब वार्षिक 70 से दो है जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आद्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है यानी ये भी कितने प्रकार के एक तो ज्यादा ठंडे वाले और एक सूखे वाले तो आद्र और शुष्क इन्होंने कहा कि यार सदाबार जब तू दो प्रकार का हो सकता है तेरे साथ अर्ध सदाबार हो सकता है तो सदाबार और अर्ध सदाबार दो भाई की तरह लगते हैं किसकी तरह लगते हैं दो भाइयों की तरह लगते हैं लेकिन प्रणपाती के दो बेटे हैं आद्र प्रणपाती और शुष्क प्रणपाती कोई जोर आने वाली बात नहीं है बस नाम याद रखना है और कुछ भी नहीं है समझ गए सदाबार और अर्ध सदाबार होते हैं अर्ध सदाबारी और सदाबार होते हैं रख लो। लेकिन परणपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर वाले ये वन मानसूनी वन भी कहलाते हैं कैसे कहलाते हैं मानसून मतलब वर्षा वाले वन भी कहलाते हैं और ये आदर और शुष्क यानी दो बेटों के रूप में आदर और शुष्क है इसमें कौन कौन आता है इसमें आता है सबसे पहले मानसून नहीं आता है तब ये गुराते हैं उस पर किस पे मानसून पे तो याद हो जाता है हुर्रा महुआ आंवला सेमल कुसुम चंदन हुर्रा महुआ कुसुम ठीक है ना चंदन सेमल आंवला आदि इसमें पाए जाते हैं ये तो आपको याद करना ही है ये हुर्राता है महुए से बनती है शराब तो थोड़ा सा पेग वेग लेके रहता है किस पे मानसून पे मानसून कहता है मैं आ रहा हूं जब तक आंवला खाके बिल्कुल आराम से बैठ जा और सेमल और कुसुम के जो फूल है उनके साथ चंदन की खुशबू लेता रहे सर ऐसे कोई याद होता है क्या तो और अच्छे तरीके से कर लो आप लेकिन ये ऐसे याद किया जा सकता है ठीक है ना आगे देखिए परणपाती पढ़ लिए उससे पहले अर्ध और सदा सदाबार और अर्ध सदाबार 200 से ऊपर किसको पश्चिम घाट में कौन से आसानी से याद हो जाते हैं मानसूनी वन कौन से हैं? अभी जो पढ़ गए है अब जो वन पढ़ रहे हैं वो है कांटे वाले कौन से हैं कांटे वाले कौन से भाई जिनके कांटे लगे होते हैं कांटों की सारी नस्लें जानता हूं मैं सांपों की थी किसकी थी सांपों की है ना कांटेदार वन कौन से जिनके कांटे लगे होते हैं देखिए ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम है बचारे गरीब मरुस्थल में होंगे पक्के खाओगे मरुस्थल मतलब मिट्टी वाला क्षेत्र 200 से ऊपर सदा सदा ही हरा खुश रहो तथास्तु सदा ही हरे भरे लेकिन 200 से लेकर 70 तक पर्णपाती मानसून से दुआ किए जा रहे हैं अगर नहीं आता है तो उस पर गुर्राते हैं याद होता है हुर्रा कुसुम और चंदन के की खुशबू लेते हैं मऊवे की शराब पीते हैं ऐसे उसको हम याद कर रहे थे और कांटेदार वनों की बात करें तो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आपको दिखेगा घास और कुछ भी नहीं और दिखेगी झाड़ियां घास और झाड़ियों वाला क्षेत्र है ये कैसा है घास और झाड़ियों वाला होगा कहीं देखो ये रहा ये घास और ये झाड़ियां शामिल है इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बहुत सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं कहाँ मिलेगा बताऊ मुझे ये अगर हमें कहीं दिखाई देगा तो सिर्फ और सिरप जो है सिर्फ और सिर्फ और सिरप और सिरप सिर्फ और सिर्फ सिरप और, सिरप और, सिरप। अच्छा नहीं बनाना नक्शा कोई ना समझते हो आप समझना है हमें क्या करना है समझना है कौन सा कलर डाले इसमें इसके अंदर लेते हैं ये प्यारा सा कलर देखो क्या कह रहा है कुछ ही नहीं कह रहा है ये क्षेत्र पकड़ लो बस इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं ये ये जो जितना क्षेत्र होगा पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश इसे थोड़ा सा नीचे उत्तर प्रदेश थोड़ा सा इस तरफ जहाँ गंगा नदी चलती है यहाँ अगर कोई वन पाए जाएंगे तो वो घास और झाड़ियों वाले वन होंगे अगर थोड़ा सा नीचे इस तरफ आने लग गए हम और इस तरफ तट की तरफ आए तो आप जानते हैं आगे खड़ा है कौन सदाबारी वन कौन सा वन सदाबारी वन पंजाब हरियाणा राजस्थान अर्ध शुष्क शामिल है इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित पर्ण हरित रहते हैं और झाड़ियां जैसे लगते हैं पौधे दिखते हरे भरे क्योंकि छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनकी लेकिन झाड़ियां होती है बताओ तीन वन समझ में आए कि नहीं आए पहला सदाबार उसी के साथ था अर्ध सदाबार दूसरा परण पाती जिसका नाम था मानसूनी और तीसरा देख रहे हैं हम कांटे कौन सा देख रहे हैं कांटेदार वन आगे देखिए इसमें पर्वतीय वन पर्वतों में होंगे और भारत में पर्वत कहां है उत्तरी क्षेत्र में तो ये उत्तरी क्षेत्र में होंगे बताओ रबड़ किस जगह पाया जाएगा इसी में पाया जाएगा रबर जो है इसी में मिलेगा आपको चाय और कॉफी इसी में मिलेगी पर्वतों में मिलती है ढालान पे मैंने कहा ना पर्वतों की ढालान पे मिलती है याद था आपको तो ढालान पे मिलती है एक बात और बताऊं अगले साल बारहवीं माएंगे ना आप जब ये चीजें फिर आएगी किसी को बताना मत लिख लेना इस साइड में ना, याद रखना ये चीजें वापस आएगी ठीक है ना कि पर्वतीय मिट्टी कौन सी होती है पर्वतों वाली तो वैसे अभी पर्वतीय वन है ठीक है ना पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है पर्वतों में जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है क्या करता है तापमान घटता है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं एक मीटर ऊपर जाते हैं तो एक डिग्री सेल्सियस तापमान गड़बड़ हो जाता है एक मीटर पे ठीक है ना एक किलोमीटर पे जाते हैं तो और अच्छे से ठीक है ना तो तापमान घटता है इन वनों को दो भागों में बांटा गया है ये जो पर्वतीय वन है इनको दो भागों में बांटा गया सा उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन इसको छोड़ दो आपको अगर समझ में नहीं आता तो ठीक है ना पूरे वन को नहीं छोड़ना है सिर्फ इस शब्द को छोड़ना है ये उत्तरी और ये दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी नॉर्थ और साउथ कुछ भी नहीं है पर्वत एक तो उत्तर में पर्वत दिखाई दे रहे हो गए यूं ही टेंशन लेते रहे तो सिंपल है सदाबार और अर्ध सदाबार उसके बाद किसकी बात करेंगे प्रणपाती की उसके बाद कांटू वालों की और उसके बाद आपके सामने लिखा है कौन सर कौन सा लिखा था पर्वतीय वन ठीक है ना पर्वतीय वन दो प्रकार के दक्षिण और उत्तरी तो बताओ इससे पहले कांटेदार पटे उसके कोई प्रकार थे क्या कुछ नहीं थे वो क्या प्रकार रखेंगे उससे पहले प्रणपाती याद करो कोई प्रकार थे क्या भूल जाते हो रे क्या करें आपका ऊंचाई बढ़ने के साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में उष्ण कटिबंधीय वनों से टुंडरा में पाए जाने वाली प्रकृति वन प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोषण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो हिमालय में जलवायु जो है है वो टुंड्रा प्रकार की हो जाती है। और यहाँ एक से दो मीटर ऊपर जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं क्या मिलते हैं शीतोषण कटिबंधीय आगे देखिए उत्तरी पूर्व भारत की उच्चतर पहाड़ी और सरकलाओं पर पश्चिम बंगाल और उत्तराचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े फलों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबार वन पाए जाते हैं वापिस सदाबार की लाइन इसने डाली है क्योंकि यह भी बताना चाह रहा है कि हम तो छोटे छोटे वन है बड़े तो वही है ओक और चेसनेट जैसे जो सदाबार होते हैं इस क्षेत्र में पंद्रह से सत्रह मीटर की ऊंचाई पर आपत्व वाले यह है व्यापारिक व्यापारिक महत्व वाले वन पाए जाते हैं चीड़ के बताओ चीड़ के वन से क्या बनाया जाता है चीड़ का वन बहुत महत्वपूर्ण होता है रेल की पटरियों में काम आता है किसमें रेल की जो पटरियां होती है रेल की पटरियों में काम आता है और ये कहां लगाए गए भारत में ओक के जितने भी वन लगे हुए थे उन्हें काटा गया और इन्हें लगाया गया ठीक है ना इस बात को समझ गए तो ये जो वन हम पढ़ रहे हैं पर्वतीय वन जो पर्वतों पे होते हैं ये दो होते हैं उत्तर और दक्षिण की तरफ और यहाँ पे टुंड्रा प्रकार की जलवायु है एक से दो हजार मीटर के आसपास जाते हैं तो थोड़ी ठंड बढ़ती है तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार हमें देखने को मिलता है और इसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा ये सदाबार में भी मिल जाता है और इसके बाद लास्ट में जो वन आते हैं इनका नाम बड़ा डरावना है लेकिन याद आसानी से हो जाते हैं चार नंबर पे पर्वत थे और तीन नंबर पे कांटे थे दो नंबर पे परण पाती थे और एक नंबर पे सदाबार और अर्ध सदाबार थे ठीक है ना कुछ अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले जैसे अशोक देवासी पूजा चौधरी नीता गुजर ऐसे कई बच्चों के नाम मुझे याद होने लगे हैं जिनका पक्का कमेंट आता है राधा मंडल ठीक है ना बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं अगले साल तो हम शानदार रिजल्ट देने वाले हैं लेकिन इस साल भी हमको ये एहसास होना चाहिए कि उन सबको एहसास दिलाना है यार ये कहां से पढ़ते हैं हमारे साथ ही स्कूल जाते हैं हमारे साथ ही आते हैं पड़ोसी सोचे यार इतने नंबर कैसे बन गए पड़ोसी को सदमा देना है पड़ोसी को क्या देना है सदमा देना है और इस सदमे के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी शानदार मेहनत करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आगे देखिए इसके 10 प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है कहां होते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के आदर और आवास पाए जाते हैं इसके 10 प्रतिशत भाग पर यानी कि अनूप और वेला चली चेला चली छोटा चेला, अनूप यानी छोटा अनुज कहते हैं वैसे उसको वेला चली अनूप की ओर वेला चली जब वनों के पांचवे प्रकार की तरफ बढ़े तो ऐसे होता है ना कि वेला यानी शाम ढलने को आई पांचवा वन है तो शाम ढलने को आई पांचवा वन पढ़ रहे हैं। वेला चली अनुप वन की और ऐसे याद किया जाता है वेला चली सदाबार अर्ध सदाबार पर्णपाती कांटेदार पर्णपाती कांटेदार पर्वतीय वेला चली अनुप की ओर वेला चली अनुप की ओर ये तो शायरी बन गई यार मुझे आज पता चला मैं शायरी भी बोल सकता हूँ है ना बन गई ना वास्तव में अर्ध सदाबार ये कर करके है ना इसके दस प्रतिशत भाग पर चावल होता है वेला चली मतलब चावल है वेला चली मतलब चावल है और भारत में उनचालीस लाख हेक्टेयर भूमि है उड़ीसा में चिलका और भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय पारक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आद्र के अधिवेशन रामसर के अंतर्गत रक्षित जलकूट आवास है यानी उड़ीसा में देखना बहुत प्यारी झील है चिल्का कौन सी झील है चिल्का ऐसे लिखा जाता है चिल्का कैसे लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है चिल्का उड़ीसा में चिल्का झील है और भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय पारक है और अंतरराष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से ये बहुत प्यारे हैं और दोनों ही वेला चिली का एक अच्छा उदाहरण दिखाई देते हैं ये थे जी हमारे वन बड़े प्यारे हैं वन इतने अच्छे अच्छे वन दिखे कि नहीं दिखे हमें और सब एक से बढ़कर एक वनों की अगर बात करें तो वन तो वन होते हैं भाई बड़े निराले होते हैं बड़े सुंदर होते हैं लेकिन है हमारे देश की ठंडी भूमि को आर्द्र भूमि को हमारे देश की सॉइल्स को आठ भागों में बांटा गया।, गया है कितने भागों में बांटा गया है? आठ भागों में बांटा गया है हमारे देश की जो मिट्टी है उसे आठ भागों में बांटा गया है कितने भागों में आठ भागों में हमारे देश की मिट्टियों को हमारी मिट्टियों को बांटने का काम जो करता है यानी भारत में जो मिट्टियां हैं उसे बांटने का काम करता है आईसीएआर कौन करता है आईसीएआर मिट्टियों को बांटने का काम करता है और यह है भाई साहब दिल्ली में किस जगह हैं दिल्ली में है मेरे लाडले आई कहता है भारत में आठ प्रकार की मिट्टियां हैं लेकिन भारत में चौबीस गौण प्रकार की छोटी छोटी मिट्टियां भी होती है कौन सी मिट्टियां होती है छोटी छोटी मिट्टियां भी होती है कैसी मिट्टियां होती है छोटी छोटी मिट्टियां आईसीआर के अनुसार आठ जो प्रकार है उसमें मिट्टियां किस किस प्रकार की है आपको बड़े ध्यान से समझना है मात्र पांच से छह मिनट में मैं आपको मिट्टियां याद करा दूंगा जिस मिट्टी में ज्यादा क्षारियता होगी देखो मिट्टी के अंदर दो चीजें होती है जो नुकसान पहुंचाती है एक तो होती है क्षारियता क्या होती है क्षारियता मिटा देते हैं यार कभी कभी गंदा लिखा जाता है वापिस मिटा देते हैं इसको भाग मत तुझे नहीं मिटा रहे हैं। ये लेते हैं, प्यारा सा मिट्टी में जब सारियता होती है तो मिट्टी को नुकसान होता है और मिट्टी में जब लवणता होती है तो भी मिट्टी को नुकसान होता है तो जब मिट्टी में सारियता होती है और जब मिट्टी में लवणीयता होती है तो हम क्या करेंगे सारियता को खत्म करने के लिए मिट्टी के अंदर जिप्सम डालेंगे क्या डालेंगे मिट्टी के अंदर जिप्सम डालेंगे और इसकी सारियता जो है वो हो जाएगी खत्म लवणियता अगर खत्म करनी है मिट्टी के अंदर तो उसके अंदर राक फास्फेट डालेंगे रोक फास्फेट डालेंगे उसके अंदर क्या डालेंगे रोक फास्फेट और इस मिट्टी की लवणता खत्म हो जाएगी बताओ समझ में आया नहीं आया मिट्टी कितने प्रकार की आठ प्रकार की बांधता बांटता कौन है आईसीआर ठीक है दक्षिण में ध्यान से समझना आठ प्रकार भारत में कहा, कहा है मैप माइंड में रखना है पहले तो दक्षिण में दक्कन पटार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लेगून लेगून का मतलब होता है जिसे लेंगून भी कह सकते हैं हम जील इसका मतलब क्या है भाई जील जिसे लेक कहते हो आप लोग कहां कहां मिलती है पहले रूप की मिट्टी दक्कन का पटार छोटे छोटे मैप बनाऊंगा मैं हर पॉइंट के साथ दक्कन का पटार ये वाला क्षेत्र ये वाले क्षेत्र में भारत का ये निचला हिस्सा है इसके इस क्षेत्र में राजस्थान गुजरात ये सब यह है राजस्थान गुजरात कच्छ का खारे पानी का कच्छ का जो रण है गुजरात की तरफ यहां है यहां देखो ये भारत का निचला हिस्सा दक्षिण वाला और इस दक्षिण हिस्से में मैं बात करूं इसमें सबसे पहले इस क्षेत्र की इस क्षेत्र की तो यहाँ जो होगा पहला पॉइंट होगा और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर और किसी दूसरे पॉइंट की ये कच्छ का रण है यहाँ पे, यह क्या है कच्छ का रण है ये गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र की जगह है यहाँ होगी तो ये दूसरा वाला रूप आठ प्रकारों को देख रहे हैं हम कितने प्रकारों को देख रहे हैं आठ प्रकारों को ठीक है और इसके बाद ये क्या कह रहा है इसके बाद ये कह रहा है गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की ताजा वाली जल और मिट्टी है केवलादेव भरतपुर ये राजस्थान का इस, है, इस जगह है ठीक है ना ठीक है भारत के पूर्वी तट पर डेल्टा आर्द्र भूमि लेगुन चित्मा झील आदि भारत के पूर्वी तट पर ये देखो ये तो भारत का पश्चिम तट है ये कौन सा तट है भारत का पश्चिम तट और ये भारत का है पूर्वी तट जहाँ भारत का दक्षिण बिंदु पड़ता है जिसे हम केप, केप केमोरिन या कन्याकुमारी कहते हैं और पानी के अंदर जो पॉइंट पड़ेगा उसे पहाड़सन कहते हैं उसे लाहिचिंग कहते हैं यानी इतना याद रखें कि ये पूर्वी तट है तो पहले रूप की मिट्टिया जो लाल लाल दिखाई दे रही है दक्कन वाला क्षेत्र लाल लाल वाला है उसके बाद ये जो कलर दिखाई दे रहा है आपको लाइन कर करके गुजरात कच्छ और रण का क्षेत्र है उसके बाद जो ऊपर दिखाई दे रहा है गुजरात राजस्थान का क्षेत्र है और उसके बाद जो दिखाई दे रहा वो है वो पूर्वी तट ये रहा ये पूर्वी तट है बताओ चार तो समझ में आएगी चार मिट्टियाँ कहाँ हैं सिंपल तरीके से आ गई समझ में यहाँ तक ठीक है गंगा का मैदान मतलब गंगा जो है वो चलती है आपकी उत्तर प्रदेश में मोस्टली कहाँ चलती है गंगा के मैदान ताजा वाला कच्छ क्षेत्र यानी भारत का ये जो क्षेत्र है इसके अंदर गंगा इसमें चलती है बीच में इस जगह यहाँ पे इस जगह तो गंगा का मैदान गंगा एक तो चलेगी आपकी यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में एक चलेगी आपके बिहार में एक चलेगी आपके पश्चिम बंगाल में तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है ब्रह्मपुत्र चलेगी आपके असम में कहाँ चलेगी असम में और अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है शुरू होती है मतलब भारत में घुसती है आ तो वहां से जाती है तिब्बत से चीन से आती है और फिर घुस जाती है पिछले वन शॉट देखे होंगे देखो पहले चले थे लेक्चर एक दो तीन चार ऐसे करके अगर आपने लेक्चर भी नहीं देखे चलो कोई बात नहीं एक चैप्टर जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसके कम से कम पाँच छः लेक्चर हुए होंगे आपने समय पर नहीं जगे कोई बात नहीं आपने नहीं देखे लेकिन जब शुरू हुए वन शॉट वन शॉट में भी वन शॉट की बात बताई जाती है कि पिछले वन शॉट में मैंने ये बताया आपने वो भी नहीं देखा तो फिर अपनी नाव जो है वो पार होना मुश्किल हो जाएगी मेरे लाडले क्योंकि वनसोड़ तो कम से कम देख लो जो लेट पढ़ने लगे हैं और अभी से ठान के रखो कि ट्वेल्थ में सबसे पहले जो है जैसे ही सर मार्कर लेके आएंगे चाहे मनीष सर है चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा सर है आर्ट्स के सारे स्ट्रीम्स मतलब शानदार तरीके से चलने वाले ट्वेल्थ में जैसे ही मार्कर लेके हम लिखेगी कि आज से भूगोल का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है उस दिन आप क्लास में होने चाहिए वादा करो मेरे से और उसके बाद जिस दिन मैं कहूं कि आज अपने लेक्चर खत्म हो चुके हैं और लगभग सौ लेक्चर जो हुए हैं दोनों किताबों के वो अच्छे से हमने किए हैं तो उस दिन आपके चेहरे पे भी ये खुशी होनी चाहिए कि मेरे भी कंप्लीट हो गए आपके भी हो जाना चाहिए सिलेबस उसके बाद वन शॉट करे तो सिर्फ रिवीजन होता है एक प्रकार से लेकिन जिसने नहीं पढ़ा इलेवेंथ में बहुत अच्छी बात है कि इलेवंथ में थोड़ा सा कहते हैं मेरा नहीं मानना ही है कि थोड़ा कम पढ़ ले तो भी चलता है लेकिन ट्वेल्थ में जबरदस्त तरीके से हमें पढ़ना है

चारियों और मैग्रो वन और दूसरे आदर वनों के लिए प्रसिद्ध है देखो मैग्रो वन का मतलब होता है सुंदर वन और भारत का ये जो हिस्सा है यहां मिलती है गंगा और इधर से मिलती है ब्रह्मपुत्र और यहां जब नदियां दो मिलती है तो उसको कहते हैं डेल्टा उसको क्या कहते हैं डेल्टा और यहां जो डेल्टा बनता है उस डेल्टा का नाम है सुंदर वन क्योंकि ये बहुत सुंदर है और यहां सुंदरी वन पाए जाते हैं नारियल के वन पाए जाते हैं तो यह सुंदर वन का डेल्टा है और यह हमारा लास्ट है यहां मेग्रो यानी कि सुंदर वन का मतलब क्या है सुंदर वन हैं आगे देखिए वनों के संरक्षण के लिए क्या करें वन में कौन सी मिट्टियां थी यह हमने देख लिया वनों के प्रकार पांच मिट्टी के प्रकार आठ लेकिन अब जो बात है कि वन को कोई काटे ही ना उनका संरक्षण करे इसके लिए उपाय बताओ तो इसके अगर उपाय की बात करें तो बहुत ही शानदार शानदार इसके उपाय हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं वनों की एक निश्चित सीमा तय होनी चाहिए जैसे भारत ने तय किया कि वन होने चाहिए थर्टी थ्री प्रतिशत तो हम पहुंचे उन्नीस पे फिर पहुंचे इक्कीस पे फिर पहुंचे बाईस पे अब जो आंकड़ा है बीस पच्चीस के बीच में दौड़ रहा है जबकि होने चाहिए थर्टी थ्री परसेंट तो ये हमने क्या किया वनों को बढ़ाने के लिए वन के संरक्षण के लिए एक नीति अपनाई एक निश्चित सीमा तय की कि परसेंट से ऊपर होना चाहिए, वनों को काट रहे और उनके वर्गीकरण में अनुपात समान होना चाहिए वनों को काटने पर रोक होनी चाहिए उनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए तो कितना वर्गीकरण किया पांच प्रकार का कौन कौन सा सदाबार और अर्ध सदाबार फिर और फिर, फिर कौन से थे दो का काम आपको देता हूं मैं लास्ट वाले वेला चली है अनुप अब एक रहा है कौन सा राय याद करो वनों की निश्चित अग्नि से सुरक्षा की जानी चाहिए निरीक्षण ग्रह और अग्नि रक्षा पथ का निर्माण होना चाहिए क्यों भाई वन जो होते हैं ना ये जो वन दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पे वन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और जब वन वन से टकराता है जब लग जाती है आग और उस आग को उस अग्नि को बुझाने वाला कोई नहीं होता है वहाँ ना तो फायर ब्रिगेड होती है अग्नि अग्निशमन यंत्र होते हैं वहाँ और ये आग बढ़ते 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 पूरे वन की तरफ फैल जाती है और पूरा का पूरा वन जो है वो ख़त्म हो जाता है सही है क्या इसकी रोकधाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये वनों को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है ये भी बहुत बड़ी समस्या है जानता है भारत लेकिन इसके मामले में बहुत कम प्रयास हुए तो दोनों पॉइंट समझ में आगे वन का संरक्षण कैसे करें आगे देखिए कृषि एवं आवास विकास भूमि जो खेती बाड़ी वाली जमीन है कृषि पर रोक लगा देना चाहिए कृषि एवं आवास विकास वन भूमि पर रोक लगा देना चाहिए कृषि की जो जमीन है कृषि एवं आवास विकास वन भूमि पर रोक लगा देना चाहिए इसका मतलब देखो ये जो जमीन है इस पे आज वन लगाए जा रहे हैं क्या लगाए जा रहे हैं मान लो वन अब तो ये खेती करते हुए दिखाई दे रहे आज वन लगाए जा रहे हैं कल को हम वनों को काटेंगे किसको काटेंगे वनों को काटेंगे और यहाँ खेती शुरू कर देंगे या फिर अपना मकान बना लेंगे आप बताओ सही है क्या यहां अगर आज वन लगे हुए हैं बड़े बड़े इस प्रकार से ये बड़े बड़े वन है इसको कभी काटा है काटा है इसलिए तो यहां क्या बना है अगर वनों को काटा गया है तभी तो यहाँ खेती कर पा रहा है ट्रैक्टर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तभी तो ये खेती कर पा रहे जो कि गलत है ये बात यह है कृषि पर रोक लगा देनी चाहिए कृषि पर रोक नहीं लगानी है लेकिन जहां वन है तो वो कृषि से ज्यादा फायदा दे रहे इंसान को मानते हैं आपकी बात आप कहते हैं आप सोच रहे हैं यार पर पर रोक रोक लगा देंगे तो तो फिर, फिर रोक लगाने का मेरा मतलब है कि वन है कि जहां वन वन हमें सांस दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं तो फिर अनाज भी तो चाहिए होता है लेकिन वहां करो जहां वन नहीं है दोनों चीजें चाहिए होती हैं है है हमें वनों की कटाई पर रोकने के लिए किसी अन्य लकड़ी की लकड़ी की लकड़ी की, लकड़ी की कटाई की व्यवस्था की जानी चाहिए भाई लकड़ी चाहिए और वन भी नहीं काटना है तो कुछ हल्की लकड़ियाँ होती है जो ऐसे वन होते हैं जो पर्यावरण को ज्यादा महत्व पर्यावरण की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं उनको आप जलाने के लिए काम में ले लो ये हमारा फोर नंबर या फाइव नंबर वाला फोर नंबर वाला पॉइंट है हम कर रहे हैं वनों का संरक्षण कि वनों को कैसे बचाए सबसे पहले हमने देखा कि वन कितने प्रकार के होते हैं और फिर हमने देखा कि जहां वन उगते हैं वो मिट्टी कितने प्रकार की होती है तो वनों के प्रकार पांच और मिट्टी के प्रकार आठ वनों को बेचने से पहले के बचने के लिए फार्मासिस्ट औषधियों का निर्माण करना चाहिए वनों को बेचने से बचाने के लिए के क्या करने के लिए बेचने से बचाने के लिए फार्मासिस्ट औषधियों का निर्माण करना चाहिए यानी अच्छी अच्छी उनके लिए दवाइयां वनों के लिए वन सबको दवाइयां देते हैं कहते हैं ना आयुर्वेद आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है तो वनों को बचाने के लिए भी तो कोई जड़ी बूटी बनाओ तो हमने कहा ना जिसमें रागपोष होता है वो लवणीयता को खत्म करता है और को कौन खत्म करता है, है। के महत्व के, के, के बारे में जान जाइए तो ऐसे चिपको आंदोलन और शांत घाटी क्षेत्र होते हैं राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर एक खेजड़ली गांव है उस खेजड़ली गांव में एक महिला हुई इस आंदोलन के बारे में बता रहा हूं क्या है ये चिपको आंदोलन उस गांव में एक महिला हुई जिसका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है विष्णोई समाज जो जांबोजी महाराज ने बनाया था 20 प्लस 9 नियमों को मानता है इसलिए समाज के लता विष्णोई ये राजस्थान के जोधपुर में ज्यादा देखने को मिलता है जो हिरणों के लिए अपनी जान दे देता है हिरण जो होते हैं यानी वन्य जीवों के सारे वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों से बहुत प्यार होता है इस समाज को इस धर्म को विष्णोई समाज को बीस और नौ नियमों को मानते हुए जहमोजी की पूजा करते हुए वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को और पर्यावरण को महत्व देते हुए यह जो समाज है इसकी एक कहानी है राजा महाराजाओं के समय की राजा हुआ करते थे अनुप सिंह और उस समय जो है ऐसा हुआ कि एक खेत में से लकड़ी लाने का आदेश दिया और एक जंगल था पूरा का पूरा जंगल नहीं कह के, के मरुस्थल है जोधपुर वैसे तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ी और लकड़ी की जब आवश्यकता पड़ी तो लोग लकड़ी लाने के लिए गए वो राजा के सैनिक राजा के सैनिक जब हरी भरी लकड़ियों को हरे भरे पेड़ पौधों को काट रहे थे तो विष्णोई समाज के लोग बाहर आए और उन सब महिलाओं का जो नेतृत्व तो कर रही थी वो थी अमृता भाई और उनके पति थे रामोजी अमृताबाई और रामोजी दोनों डटकर मुकाबला करते रहे राजा की उस सेना और उन लोगों का जो लकड़ी काटना है कि हम लकड़ी नहीं काटने दें अमृता बाई बार बार मना करती रही लेकिन लास्ट में जब वो नहीं माने तब वो सात की महिलाओं को और पुरुषों को यह कहने लगी जो तीन के आसपास लोग थे 363 लोग थे महिलाएं और पुरुष पुरुष उन सबको अमृता देवी संबोधित करते हुए बोली कि सिर साटे रूख मिले तो भी सस्तो जान यानी कि मारवाड़ी बात है कि सिर साटे रूख मिले तो भी सस्तो जान यानी सिर को बेचने पर भी सिर यानी कि सिर होता है सिर को बेचने पर भी रूख यानी पौधा पेड़ मिले तो भी सस्तो जान यानी तो भी फिर भी सस्ता मिल रहा है अगर इस सिर के बदले वन मिल जाए तो भी सस्ता है इसलिए सिर कटवा दो और उन तीन सौ तिरसठ लोगों ने थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री लोगों ने वहां सिर कटवा दी आई बात समझ में कोई डाउट नहीं है यहां तक देखिए वनों के महत्व के बारे में जानना चाहिए चिपको आंदोलन शांत घाटी आंदोलन ऐसे कई आंदोलन हुए जैसे अमृता देवी का आंदोलन आगे देखिए सामाजिक वाणी को सामाजिक वाणी की सामाजिक वाणी के का मतलब होता है समाज के अंदर हर व्यक्ति को समझाओ कि घर में पौधे लगाए वन संरक्षण और गुणवत्तापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन किया जाना चाहिए वन का संरक्षण होना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाले और अच्छे गुणवत्तापूर्ण मानकों का सही दवाइया अच्छा छिड़काव वनों के लिए रक्षा आग उनमें नहीं लगे तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जैसे जल प्रदूषण में कोई समुद्र में से नाव जा रहा है या अंदर से पाइपलाइन जा रही है तो छोटा सा रिसाव हो गया उसमें तो उसके अंदर पेट्रोल डीजल जो भी नाव में जा रहा था वो पानी में घुल गया ये सबसे बड़ा प्रदूषण होता है जल प्रदूषण का छोटी सी बात है लेकिन इस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता ऐसे ही वनों की अगर बात करें तो वन जो है आग लगने से खत्म हो जाते हैं इस पे कोई ध्यान नहीं देता सिर्फ यह देते हैं कि काटने से खत्म हो रहे हैं आग लगने से भी तो खत्म हो रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी चीजों की तरफ हम नहीं दे रहे हैं ध्यान बचे समय वन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए बच्चे हुए समय में यानी कुछ ना कुछ दिन का एक समय लेना चाहिए जिसमें वनों का हमें क्या रखना है ध्यान रखना है सामाजिक वाणी की से तात्पर्य समाज में ऐसी बातें सिखाओ जो वनों का विकास करे सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण संरक्षण प्रबंधन तथा उस भूमि पर वृक्षारोपण राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को तीन भागों में बांटा क्या है सामाजिक वाणी की मैं आपको पहले बता दूं समाज के अंदर परिवार के अंदर <coughs> सॉरी लोगों को यह समझाया जाए कि वन महत्वपूर्ण होते हैं वन क्या होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं इनका अपना अलग महत्व है इनका अपना अलग महत्व है और इसके लिए रक्षा अगर करनी है वनों को सबसे पहले रोपा जाए उनका रोपण किया जाए रोपण कृषि में कई फसलें आ जाती हैं, संरक्षण किया जाए इनकी सुरक्षा की जाए यह जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो परिवार समाज इन लोगों की और इन सब से मिलकर बनता है देश तो पूरी देश की जिम्मेदारी बनती है लेकिन उससे पहले परिवार और समाज की जिम्मेदारी बनती है और यह चीज लोगों को समझाएगा राष्ट्रीय कृषि विभाग कौन समझाएगा राष्ट्रीय कृषि विभाग कौन समझाएगा लाडले राष्ट्रीय कृषि विभाग सामाजिक वानिकी का मतलब है समाज में लोगों को परिवार में लोगों को वनों के बारे में उसके संरक्षण के बारे में वन कैसे लगाने इसके बारे में समझाया जाए और उनका विकास किया जाए शहरी वानी की यानी शहरों में वन लगाया जाए ग्रामीण वानी की यानी गांव में वन लगाया जाए और फार्म वानी की व्यापारिक वन लगाया जाए व्यापार करने वाले वन यहां तक समझ में आ गया आगे बढ़ते सामाजिक वानिकी क्या है हम यही समझ लेते हैं सामाजिक वानिकी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान समाज को दिया जाता है सामाजिक वाणी के अंदर समाज जो है सामाजिक वाणी के अंदर समाज जो है उसको यह सिखा दो कि बिना वनों के कुछ नहीं है राजू वन होने चाहिए क्या होने चाहिए वन होने चाहिए देखिए सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय सामाजिक वन और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा भूमि पर वनारोपण सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरण में समाज में गांव में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन किया गया और उनकी सुरक्षा की गई उसे वनारोपण किया जाए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1967 में और 1969 में सामाजिक वानिकी को तीन वर्गों में बांटा ग्रामीण वानिकी फार्म वानिकी और शहरी वानिकी किसको बांटा है ग्रामीण वानिकी सामाजिक वानिकी जो है इसको भी तीन भागों में बांटा है शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी और आप सोच रहे हैं यार सर इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि वन जो है उनको तीन भागों में बांटा समाज में लोगों को समझाओ गांव के लोगों को समझाओ शहर के लोगों को समझाओ और जो व्यापारिक वन है जिनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता हो वन वैसा ही खड़ा रहे लेकिन उसके फल काम में आ रहे हो जैसे आम के वन लगा दिए आम काम आ रहे ऐसे वनों को लगाया जाए वो फार्म होता है ठीक है ना शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी और सार्वजनिक भूमि पर हरित पट्टी सड़कों के साथ औद्योगिक व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत मैं आपको समझा देता हूं ये जो पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे जिसको आपने अभी पढ़ा नहीं समझ आया इसका मतलब है शहर जो होते हैं उनमें एक सड़क इधर से जा रही है और एक सड़क इधर से जा रही है इन दोनों सड़कों के बीच में एक पट्टी होती है एक नहीं होती है डिवाइडर कहते हैं इस पे पेड़ पौधे लगा दो यह पॉइंट यह कह रहा है यह है सरकार की जगह सार्वजनिक जैसे बस स्टैंड है उस बस स्टैंड पे पेड़ पौधे लगा दो वो भी सार्वजनिक जगह है कोई उद्योग है उसके आसपास पेड़ पौधे लगा दो वो भी सार्वजनिक जगह है अगर तो यानी कुछ ऐसी जैसे स्कूल है सरकारी उसमें पेड़ पौधे लगा दो यानी वनों को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है जहां जगह खाली मिले सरकार की वहां वन लगा दो समझ गया ना ये तीसरा पॉइंट कह रहा है चौथा क्या कह रहा है ये तो शहर की बात हुई कि शहर में वन कहां लगा सकते हैं या तो उद्योग के अंदर या आसपास लगा सकते हैं अंदर तो मशीनें चलती है थोड़ा साइड में लगाना है या कोई पार्क है उसमें लगा सकते हैं शहर में तो जगह ढूंढनी पड़ती है डिवाइडर पर लगाना पड़ता है गाँव में कोई ऐसी समस्या है क्या फिर भी देखो लिखा है गाँव में वानिकी में कृषि वानिकी समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा देने गांव वाले लोगों को यह समझा दो कि आप ये खेती करो इसके जो फल होते हैं आम लगाओ आप आम के जो फल है आम जो खुद है वो बिकेंगे भयंकर तरीके से और आप माला माल हो जाओगे अच्छा ठीक है फिर ये मैं यही कर लेता हूँ है ना तो वो यही करेंगे कृषि का अर्थ है योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ फसले एक साथ लगाना कृषि मतलब क्या है? कृषि योग्य बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना कृषि वानिकी का मतलब सीधा सीधा है कि कोई बंजर भूमि है उस पर कृषि हो रही है कम तो कृषि के साथ लगा दो पेड़ पौधे क्या लगाओगे पेड़ और पौधे पेड़ पौधे लगा दोगे आप कृषि के साथ क्या लगा दोगे पेड़ पौधे इसका अभिप्राय वाने की और खेती एक साथ करना है आप खेतीबाड़ी भी कर रहे हो वाने की मतलब वन लगा रहे हो वाने की मतलब क्या है वन लगा रहे हो आगे देखिए क्या है ध्यान से समझना फारम वानिकी का अर्थ है सीधा सीधा सिंपल वनो फारम वानिकी बता रहा हूं मैं आपको वनों का व्यापारिक वनों का व्यापारिक दृष्टि से विकास करना वनों का व्यापारिक दृष्टि से विकास करना फार्म वाणी की होती है यह शहर कहां हो सकती है ये शहर और गांव दोनों स्थान पर हो सकती है शहर में जगह खाली होती है वहां भी हो सकती है ठीक है ना तो यह आपकी कहलाती है फारम वाणी की क्या कहलाती है फारम वाणी की वानिकी का मतलब क्या है वानिकी का मतलब है वन विकास वाणिका का मतलब क्या है वन विकास फारम का मतलब वन क्षेत्र ऐसा वन क्षेत्र बनाया जहां वनों के माध्यम से उसका विकास किया तो उसको भी हम फारम वानिकी कह सकते हैं सिंपल एक नहीं है वनों का व्यापारिक दृष्टि से यानी पौधे लगाए हमने बड़े किए और उनसे जो फसल आ रही है उसको भी हम ले रहे तो वन फसल के रूप में भी काम आ रहे हैं आगे देखिए वन्य दे प्राणी ओह क्या बात है कहीं चिंकारा दिखाई दे रहा है जो गजैला गजलिया के नाम से जाना जाता है कहीं गोडावण दिखाई दे रहा है जो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स के नाम से जाना जाता है अलग अलग शर्मिला पक्षी भी कहते हैं गोडावण को सोन चिड़िया भी कहते हैं गोडावण को माल मोरडी भी कहते हैं गोडावण को गोडावण जो है अफ्रीका का है चिंकारा जो है वो भी प्यारा दिखाई देता है अलग अलग आपको जीव दिखाई दे रहे हैं तो वन्य प्राणियों की रक्षा कब होगी मेरे प्यारे लाडले जब वन होंगे क्योंकि इनका नाम ही वन्य प्राणी है वन में रहने वाले प्राणी है अगर वन नहीं रहेंगे तो ये लुप्त तो होते जाएंगे ये तो नाग है और सांपों की सारी नस्लें जानता हूं है ना ठीक है ना तो ये तो नाग है जो इसके अंदर बैठा है का कोबरा वगैरह जंगलों में रहा करते हैं तो सबकी सुरक्षा किससे होती है जंगलों से जितने भी ये जानवर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है ना बालू भी है तो वन्य प्राणियों की संख्या कम होने का मुख्य कारण इस प्रकार है बताओ क्या कारण है वन काट लिए गए सबसे बड़ा कारण वनों को काट लिया दूसरी आग लग जाती है तो आधे जल जाते हैं बाहर भागते हैं तो उनको लोग भी खा जाते हैं भाई ये भी सच है हिरण को लोग छोड़ते नहीं है ये तो विष्णु समाज है इसलिए हिरण जिंदा है देखिए वन्य प्राणियों की संख्या कम क्यों हो रही है यह बड़ी दुविधा और चिंताजनक विषय और उसी पे बात कर रहा हूं मैं औद्योगिक और, और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन को की गति तेज हुई उद्योगों के विकास के कारण और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति यानी वनों को काटने का जो काम है वो ज्यादा चला यानी ये जो वन्य जीव रह रहे हैं ये वन में रह रहे हैं यहाँ बहुत बड़े पेड़ पौधे हैं और यहाँ इसको काटा क्यों गया क्योंकि यहाँ किसी को लगाना था उद्योग यह क्या लगाना था किसी को उद्योग लगाना था तो इसको काट लिया गया या फिर इसको बहुत बड़ी स्कूल खोलनी थी कॉलेज खोलनी थी या इसके 20 -25 किसी के थे। तो उनके घर बढ़ाने का जलाशय क्या है जलाशय इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया खेतीबाड़ी के लिए वनों को काटा गया कि खेती करना है अब खाएंगे क्या तो खेती के लिए काटा गया मानव बस्तियों को साफ कर दिया गया सड़कें बनाने के लिए वनों को काट दिया बड़ी बड़ी माइन से वहां पे खोद दी जल के बड़े बड़े जलाशय झीले बनाने के लिए और जमीन से वनों को साफ कर दिया गया कहीं तो माइंस चलाने के लिए कई स्कूल के लिए कई सड़क बनाने के लिए कहीं रहने के लिए मकान के लिए वनों को क्या करना पड़ा साफ करना पड़ा भाई ठीक है ना और वनों को साफ करने से नुकसान जिसको हुआ है जो रोया है दुखी होके जबरदस्त तरीके से वो कौन था वो थे जंगली जानवर जिसे हम वन्य जीव प्राणी कहते हैं स्थानीय लोगों ने चारे और ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों के पेड़ काटे और वनों पर दबाव बनाया स्थानीय लोग पहले तो उसकी टहनिया काटते हैं और फिर एक दिन मौका मिलता है कि सूख गया ऐसा कहके पूरे पेड़ को ही काट देते एक व्यक्ति ने एक पेड़ काटा एक घर वाले ने और गांव में तीन घर है तो तीन लोगों ने तीन पेड़ अगर काट दिए साल में तो तीन तो वो लगाते ही नहीं है तो वन कम होते गए

तो फिर चरने वाली जो जगह होती है उसको कहते हैं चारागाह और चारागाह में जो पशु को चराने जाता है वो होता है चारावाहा चारावाह तो वो गडरिया है जो बैड को चरा रहा है और चारागाह वो जगह है जहां बैड़ चर रही है तो दो शब्द आ रहे हैं चारागाह और चारावा अब इनमें सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात है कि उन पालतू तो पशुओं को चराने के लिए फालतू तो नहीं पालतू तो. हम जंगली जानवरों की बलि दे देते हैं क्योंकि उस जमीन को हम करते हैं साफ और उस जमीन से हम काटते हैं वहां के वन तो होता है नुकसान रजवाड़ू तथा संभा वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया व्यापारिक महत्व के अभिभक्ष को मारा जा रहा है देखिए राजा महाराजों की को लेकर हमेशा रिस्पेक्ट रही मातृभूमि के लिए कहीं न प्राण अच्छा और किए आन बान सौर्य त्याग बलिदान की मूर्त रहे लेकिन राजा महाराजाओं की कुछ कमियां थी जिस पे बात करना जरूरी होता है कमियां ये थी कि अपने मनोरंजन के लिए जीव की हत्या कर देते थे सुबह सुबह शिकार पे निकलते थे आपने बाहुबली में देखा ठीक वैसा ही होता है सर हाँ बाहुबली तो देखा ये करते रहे तो पढ़ते नहीं हो है ना तो शिकार क्या करते थे और उससे भी वन्य जो है उसके अंदर रहने वाले वन्य जीव जो है उनको मारा गया तो सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ है जिसकी प्रजातियां खत्म हो रही जानी है कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ बाघ बाघ की फोटो देखेगी गिनती गिनती के रहे के चीतल रहे रहे यहां यहां चीतल कुछ जैसे कुर्जा पहले बहुत आया करती थी कुर्जा पक्षी होता है तो कई पक्षी भी खत्म हो गए सिर्फ पालतू जीव ही नहीं जंगली जीव ही नहीं जंगली मुर्गे खत्म हो रहे मतलब एक जंगली मुर्गा होता है जो खत्म हो रहा है ठीक है ना तो ऐसे कई जीव है जो खत्म होने के कगार हैं कौन सोचेगा तो आज जो बात कर रहे हैं हम बड़ी पवित्रता वाली बातें कर रहे हैं वनों को बचाना चाहिए वनों को बचाएंगे तो जंगली जीव बचेंगे वन पांच प्रकार के होते हैं वन के लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है मिट्टियां आठ प्रकार की आई से आर बांटता है और उसके बाद वन जो होते हैं उसके लिए समाज और परिवार के लोगों को भी समझाना चाहिए देश अपने आप समझ जाएगा और वन में जो जीव रहते हैं वो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रजा के ऊपर दोनों राजा और प्रजा के बीच में सामंत वर्ग हुआ करता था सैकड़ों वन्य जीवों को मार देते थे जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई है। आग के कारण आग से वन भी नष्ट हुए और वन्य जीव भी नष्ट हुए मैंने कहा ना दो चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अपने अंगूठा चाप नेता उनको कभी आइडिया नहीं होगा इस चीज का कौन सी चीजें एक तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कोई नाव जा जा रही रही है है पाइपलाइन उसमें रिसाव हो गया तो, टपक, टपक, टपक तो वहां जल रिसाव के कारण वो समस्या पैदा हो जाती है और वो जल प्रदूषण हो जाता है भयंकर वाला होता है उस पर ध्यान नहीं दे रहे बस चिल्लाए जा रहे हैं माइक लेके जल प्रदूषण घर में से जो पानी आ रहा है वो झील में ना डाले अरे झील का तो थोड़ा सा पानी पहले समुद्र को तो सुधारो दूसरा वन्य जीवों की बात करें और वनों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है आग लगना उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है घर में एक पौधा लगाओ घर में एक पेड़ लगाओ ये करो वो करो ठीक है ना तो सबसे पहले इन दोन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते लिखना कमेंट बॉक्स में दबा के आगे देखिए तो बहुत बहुत धन्यवाद ये जो बटन है अधिकतर ने दबा रखा है जिसने नहीं दबाया है दबाना है और कमेंट करना एक प्यारा सा कि आपको वन सोट कैसे लग रहे हैं अगर ठीक लगे तो अपने सारे साथियों को शेयर करना है मिलते हैं अगली शानदार क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत